नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल का नंबर वन न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं पंजाब के चुनावी दंगल 2017 की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने आखिरी दौर में चल रहा है। 4 फरवरी को पंजाब में सभी 117 सीटों पर वोटिंग होनी है, लिहाजा 2 फरवरी तक प्रचार किया जा सकता है और सियासी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुक्तसर में चुनावी रैली को संबोधित किया है और पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं शिरोमणि अकाली दल की ओर से सुखबीर सिंह बादल ने रामपुरा फूल में चुनावी रैली को संबोधित किया, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। उधर अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रचार किया और चंडीगढ़ में सचिन पायलट भी कांग्रेस के पक्ष में उतरे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उधर बीजेपी के हक में प्रचार के लिए हेमा मालिनी भी पंजाब के चुनावी दंगल में उतर चुकी हैं। हेमा मालिनी ने पठानकोट में प्रचार किया। तो 5 तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से चुनावी शोर प्रचार जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तमाम सियासी पार्टियां अलग अलग मंच पर अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करती नजर आ रही हैं।